फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं अनीता फिर अपने यूट्यूब चैनल अनीताज पैशन एज गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब अपने गार्डन में आई तो देखा कि बहुत सारे घास हो गए हैं, जिससे कि मेरे पौधे बढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि अब इनको आज साफ़ सफाई ही कर लिया जाए। देखिए, मेरी भिंडी का जो पौधा है कैसे अंदर छोटा सा हो गया है। अब मैं सोची इसको घास साफ़ कर लूँ, जिससे कि वो बढ़ने लगे। और ये देखिए, हमारा काफ़ी घास हो गए हैं फ्रेंड्स उसमें। तो मैंने कहा चलो, तो मैं अब इनकी गुड़ाई निराई करूँगी और साफ। ये देखिए, मेरा बैंगन का पौधा है और उसमें फूल भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसके आजू बाजू जितने भी घास हैं बहुत सारे हो गए थे, इसको मैंने कहा निकाल लिया जाए, तो मैं निकाल रही हूँ अभी। बैंगन की क्यारी की घास तो मैंने निकाल दिया। मैं यहाँ पर देखिए, कद्दू की बेल मैंने लगाया है और कुछ मिर्चियाँ भी लगाई हैं, लेकिन यहाँ पे भी घास बहुत सारी हो गई है। इसको भी कोड़ाई निराई कर ली जाए, जिससे कि जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लगे। तो ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लगभग हो गया है। ये देखिए, मेरी बरबटी का यहाँ भी काफ़ी, मतलब आज, मतलब ये मैंने प्लान बना के रखा था कि मतलब कि आज मुझे साफ़ सफाई करनी ही है, क्योंकि मेरे पौधे बढ़ नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। तो मैंने वही सोचा कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए आज। आज मैं बहुत थक भी गई हूँ ये सब करते करते, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई पौधे हैं, पौधों की सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो अपने आप से होंगे नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये जो हमारी बरबटी की बेल है ना, उसको मुझे ऊपर चढ़ाना है, तो उसके लिए सहारा देना पड़ेगा। तो मैंने ये देखिए, ये मैंने कुछ ये जो डंडियां हैं लगाया है उसको, और इसको लगा रही हूँ मैं। लगाने के बाद ये जो बरबटी की जो बेल है ना, वो चढ़ जाएगी उसमें, उसको मतलब सहारा मिल जाएगा। तो ये बेल वाले पौधों के लिए क्या होता है, सहारा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने ये जुगाड़ करके कुछ लकड़ियाँ, मतलब कि बल्लियाँ ली, और फिर मैंने इसको किया है ना। तो देख रहे हैं आप कि मैं कर रही हूँ इसको। देखिए, रस्सी के सहारे से मैं इसको बांध दूंगी कि ये हिले हिले डुले ना, कि जैसे वो गिर ना जाए। तो मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, और अभी अभी देख रहे हैं ना, इसको मैंने बांध दिया है।
देखिए चारों तरफ से मैंने ये बांध दिया है और उसके ऊपर मैंने कुछ लकड़ियां भी रख दी हैं जिससे कि बेल ऊपर फैलने लगे अच्छे से। ये कनेल का मैंने डाला है क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं अभी, तो मैंने इसी के ऊपर डाल दिया है, सब छा दिया है। देख रहे हैं ना इस पे क्या होगा कि बेल पूरा ऊपर जाएगी तो पूरे में फैलने लगेगी। आप देखिए मैंने लौकी का बेल भी ऐसे किया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, लकड़ी का मचान बनाया है। और देखिए मेरी जो बेल हुआ है ना बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है और ऊपर चढ़ रही है। अब ये जब होगा ना तो ये क्या होगा कि फैलने लगेगा चारों ओर से, तो ये मैंने ऐसे ही इसको सहारा देने के लिए कर दिया है। तो ये फ्रेंड्स देखिए मेरी लौकी की बेल है अच्छी ना, ग्रोथ कर अच्छी रही है, ग्रोथ तो कर रही है। तो अगर मैंने आपको सहारा मेरा देने के लिए वीडियो पसंद पसंद आता भी है ऐसे तो किया लाइक हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखें और आप बहुत मतलब अच्छे से अब ये ऊपर जाएगी, अच्छे से फैलने लगेगी, बढ़िया अच्छा लगेगा। नहीं है बस, और फिर बोलो। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। ओके बाय।